हेलो थर्सन स्टूडेंट्स, इट्स ईवीएस एंड द लेसन नंबर 3, एनिमल शेल्टर्स. यू कैन सी इन द पिक्चर दैट देर इज अ ट्री इज सीन एंड ऑन द ट्री देर आर सम बर्ड्स सिटिंग ऑन द इन देयर नेस्ट. लुक हियर, इट्स देयर शेल्टर. ये बर्ड्स का शेल्टर होता है. और बर्ड्स शेल्टर किधर बांधते हैं? वेयर डू दे बिल्ड? On the trees, okay. See that now. In another picture, you can see that the cat is shown here, here, and it is actually sitting before the hole. It's a mouse hole because the hole is mouse. This hole is a residence of mouse. So, ये mouse का घर है, okay? And the cat is waiting for it to come out so that it may catch it. क्योंकि माउस उसका फूड है. ओके, नाउ सी हियर, द कैट इज लाइंग इन वेट फॉर समवन. हु इज दैट? जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट. व्हाट इज द क्वेश्चन? कि ये जो कैट यहाँ पर वेट कर रही है, किसका वेट कर रही है? सो यू हैव टू राइट दैट. ऑफ कोर्स माउस, रैट. नंबर 2, व्हाट हैज फ्राइटन द क्रोज? व्हाई आर दे ट्राइंग टू फ्राइटन द कैट अवे? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि क्रो को किसने डराया है. ओके, एंड वो क्या कर रहे हैं कैट को डराने के लिए, वो कौन सी एक्शन कर रहे हैं? ये जो दो टू क्वेश्चंस बिगिनिंग में है, ये तुम्हारा होमवर्क है फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड यू हैव टू कंप्लीट इट एंड सेंड इट ऑन माय नंबर. इट विल बी गिवन, ओके, इन द लास्ट ऑफ द वीडियो. नाउ नेक्स्ट, नाउ कैन यू टेल? क्या तुम्हें बता सकते हो? What is that information? What do birds use to build their nest? कि birds nest बांधने के लिए क्या use करते हैं? Number 2, which animals live in burrows? Burrows में कौन से animal रहते हैं? Burrows यानी hole जो ground में होते हैं, तो burrows में कौन से animal रहते हैं? Number 3, where do the hens we keep live? Who builds their shelter? और hens जो हम उसको पालते हैं, hens को, मुर्गियों को, वो उनको कहाँ रखते हैं और उनके घर को क्या बोलते हैं, उनके शेल्टर को क्या बोलते हैं, और ये शेल्टर कौन बांधता है? नेक्स्ट देखो, अभी व्हाई डू वी नीड हाउसेस? अभी हम लोग को हाउस का क्यों नीड है? देखो ये पैराग्राफ में देखेंगे, वेरी कोल्ड वेदर, गस्टी विंड्स, स्कॉर्चिंग सन, हेवी रेन्स कैन कॉज अस ग्रेट डिस्कम्फर्ट. वी लिव इन हाउसेस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम देम. हाउस ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम थेप्स. देखो अब हम हाउसेस में क्यों रहते हैं, उसका एक रीज़न इधर बताया है. तो सबसे पहली बात है ठंड से बचने के लिए, जोर जोर से जो हवा चलती है उससे बचने के लिए, जो इतना धूप तेज धूप होती है उससे बचने के लिए, हेवी रेन से बचने के लिए, क्योंकि इससे हमको बहुत तकलीफ होती है. तो हम ये घर बांधते और उसमें रहते हैं, ओके, क्योंकि ये सब चीज़ों से हमको बचाता है. यहाँ तक कि हमको चोरी करने से बचाता है, यानी हमारे घर में चोरी होने से बचाते हैं. दूसरा देखो, सम पीपल लिव वेरी क्लोज टू फॉरेस्ट, दे हैव टू फेस द थ्रेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, हाउस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स टू. और कुछ लोग तो बिल्कुल जंगल के पास में रहते हैं, उनको सबसे बड़ा डर किसका होता है? वाइल्ड एनिमल्स से. तो यह घर उनको वाइल्ड एनिमल्स से बचाता है. ऑन द नेक्स्ट पेज नाउ, सी दैट लाइक अस डू एनिमल्स आल्सो नीड शेल्टर्स? सम एनिमल्स डू, दे बिल्ड शेल्टर्स फॉर themselves. सम अदर एनिमल्स फाइंड शेल्टर इन सेफ प्लेसेस इन द एनवायरमेंट. अभी देखो, क्या हमारे जैसा ही एनिमल्स को भी शेल्टर का ज़रूरत होती है, उनको भी घर चाहिए रहने के लिए? तो सम एनिमल्स घर बांधते हैं, उनका शेल्टर बांधते हैं. और सम एनिमल्स जो रेडीमेड शेल्टर है, यानी जो एनवायरमेंट में अपने आप बना हुआ है, उसमें रहते हैं. देखो अभी इसमें एक टर्म दिया है, न्यू टर्म. न्यू टर्म यानी न्यू वर्ड, उसका मीनिंग द शेल्टर. शेल्टर का मीनिंग हम देखेंगे इसमें क्या है. अ सेफ प्लेस वेयर वन इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डेंजर, अ प्लेस वेयर वन इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सन, रेन, विंड एक्सेट्रा. द शेल्टर का मीनिंग ये है कि ऐसा प्लेस जहाँ पर हम सुरक्षित रह सकते हैं, कोई भी खतरे से हम बचे रह सकते हैं, जहाँ पर हम पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं. जैसा कि सन हो गया, एकदम हॉट सन, बहुत तेज धूप है. दूसरा रेन है, बहुत हेवी रेन चालू है, बहुत विंड बह रही है, तो इससे हम बच सकते हैं, घर में रहकर. अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल्स हु बिल्ड शेल्टर्स फॉर देमसेल्स.
अभी कौन से एनिमल्स है जो उनके लिए शेल्टर्स बांधते हैं, देखो अभी उनका नाम दिया, इधर एक पिक्चर भी दिया है, वन एक्चुअली बर्ड इज सिटिंग इन द नेस्ट, ओके सी दैट यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स नेस्ट एंड नोट्स आर नेस्ट आर शेल्टर्स दैट बर्ड्स बिल्ड एंड बर्ड्स आर अफ्रेड ऑफ एनिमल्स दैट ईट एग्स सो देन ईट अ सेफ प्लेस टू ले देयर एग्स. अभी देखो बर्ड्स क्यों बांधते हैं उनका शेल्टर, क्यों वो नेस्ट बांधते हैं, क्योंकि वो नेस्ट में रहते हैं, क्योंकि उनके जो अंडों का खतरा होता है, कुछ एनिमल्स उनके अंडे खा जाते हैं, अंडरस्टैंड, तो उससे बचने के लिए वो नेस्ट बांधते हैं. नाउ लुक बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग्स, देर आर एनिमल्स दे ईट दिस यंग बर्ड्स, द यंग बर्ड्स आर टू वीक टू डिफेंड देमसेल्व एंड द नेस्ट कीप्स द यंग वंस सेफ एंड दैट इज़ वाई बर्ड्स बिल्ड नेस्ट एंड दीज आर एंड दे आर दे यूज थिंग्स लाइक ग्रास स्ट्रॉ एंड ट्विग्स टू बिल्ड नेस्ट एंड दे मे इवन यूज कॉटन वूल एंड पीसेस ऑफ थ्रेड एंड स्ट्रिंग दिस मेक्स द नेस्ट सॉफ्ट एंड वॉर्म इन साइड. नाउ लुक हियर, अभी देखो जो यंग बर्ड्स होते हैं यानी उनके बच्चे होते हैं ना यंग बर्ड्स के, वो बहुत ही छोटे होते हैं और वीक होते हैं, वो उनका प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उनको खुद का ये नहीं कर सकते, वो सेफ नहीं रख सकते खुद को, तो उसलिए उनको दूसरे एनिमल खा जाते हैं. उनको बचाने के लिए ये नेस्ट बहुत काम में आते हैं, इसलिए बर्ड्स ये नेस्ट बांधते हैं. और ये नेस्ट कैसे बांधते हैं, फिर ग्रास से बांधते हैं, छोटी छोटी टहनियाँ रहती है एकदम छोटी, उससे बांधते हैं, थ्रेड भी यूज़ करते हैं, कॉटन वूल भी यूज़ करते हैं. यानी देखो और ये क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो शेल्टर जहाँ पे अंडे देते हैं यार उनके यंग वंस रहते हैं ना, वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए ताकि उनको कोई ट्रबल ना हो. ओके नाउ बट द नेस्ट ऑफ ऑल बर्ड्स आर ऑल अलाइक, नॉट ऑल अलाइक. अभी देखो सभी बर्ड्स के नेस्ट कुछ सेम नहीं रहते हैं, देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स दे बिल्ड डिफरेंट डिफरेंट नेस्ट. नाउ बर्ड्स चूज convenient places to build nest and look at the weaver bird, it chooses a thorny tree which has some branches hanging over water and it builds its nest on the highest of these branches and animals that eat eggs find it difficult to reach this nest. Now look weaver bird in the picture, you can see that the weaver bird is shown in the picture and beside it its nest, how beautiful nest it is and very strong and very actually artistically it is woven. ये जो weaver bird होता है बहुत ही अच्छे ढंग से उसका nest बांधता है. और ये कहाँ बांधता है उसका nest, एक thorny tree पर, thorny है नहीं जिसके ऊपर काटे होते हैं बहुत, और उसका सबसे ऊँचा branch देखता है और उसके ऊपर वो बांधता है, क्योंकि उसको उसके बच्चों को या अंडे को खाने वाले जो भी एनिमल्स है वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकते. नाउ लुक हियर द टेलर बर्ड इज स्मॉलर देन अ स्पैरो एंड इट सिलेक्ट्स अ प्लांट विद बिगेस्ट लीव्स एंड बिल्ड्स इट्स नेस्ट बाय स्टिचिंग द लीव्स टुगेदर. इट यूजेस अ फाइन टेंड्रिल टू स्टिच देम टुगेदर एंड दिस लिटिल नेस्ट इज बिग इनफ फॉर द लिटल टेलर बर्ड. अभी देखो ये टेलर बर्ड जो रहता है इसको टेलर बर्ड कहते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर द टेलर बर्ड, इट इज़ वेरी स्मॉल, इट इज स्मॉलर देन द स्पैरो. स्पैरो तो पहले से छोटी रहती है, उससे भी छोटा रहता है ये टेलर बर्ड. और ये जो उसके यंग बन के लिए एक किधर बांधता है, एक जिधर बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना जिस ट्री के, वो पत्तों की ओर बांधता है. और पत्तों के क्या करता है, एक दूसरे से स्टिच करता है, इसीलिए उसको टेलर बोलते हैं, क्योंकि टेलर कपड़ों को स्टिच करता है ना, तो इसी तरह से ये पत्तों को स्टिच करके उसका नेस्ट बनाता है. ओके और इसके बच्चों को सेफ रखता है ऐसा नेस्ट. अभी देखो इन अदर पिक्चर यू कैन सी द एंट एंड द बी, यू कैन सी हनी बी एंड इट्स हनी कॉम. लुक हियर, सो व्हाट इज दैट, वेयर डज इट बिल्ड नेस्ट, वी आर गोइंग टू सी दैट. सम इंसेक्ट्स आल्सो बिल्ड देयर ओन शेल्टर्स, फॉर एग्जाम्पल हनी बीज build their honeycombs on trees or under the roof of an ever changing cliff. Now look here, the honeybee है जो वो किधर बांधती है उसका nest, जो
पहाड़ के ये रहते हिल साइड के कोने निकले हुए उसके ऊपर नीचे बांध दिए हो, यानी उधर कोई पहुंच ही नहीं सकता, नो वन कैन रीच देयर, इट इज़ अ सेफ प्लेस, ओके। और ट्रीज पर भी जो सबसे ऊंचा है उसके ऊपर वो अपना नेस्ट बांध दिए, उसको हनीकॉम्ब बोल दिए। नाउ लुक एट द पिक्चर हियर अगेन, यू विल सी द अदर बर्ड एंड द ट्री ऑल्सो, द प्लांट, वन ऑफ द प्लांट, विच इज दिस प्लांट, वी आर गोइंग टू सी दैट रैट्स एंड माइस लिव अंडरग्राउंड इन फील्ड्स एंड दे डिग इन टू द सॉइल एंड मेक होल्स एंड बरोज टू लिव इन। देखो ये जो दिया है कि एक प्लांट है और उसके नीचे एक माउंड है, माउंड माउंड यानी एक सॉइल का बना हुआ ऊँचा टीला, उसके नीचे देखो एक माउस रह रहा है क्योंकि उसने उसमें एक होल किया हुआ है, ओके। वो होल को ही बरो बोलते हैं और उसमें ये माउस रहते हैं और यही उनका घर होता है, दिस इज द शेल्टर। एंड रैट्स एंड माइस आल्सो लिव इन एरियाज वेयर पीपल लिव एंड दे मेक होल्स इन द वॉल्स और अंडर द फ्लोर्स इन हाउसेस एंड दे मोस्टली टेक शेल्टर इन मड हाउसेस एंड नॉट इन दोज बिल्ट विथ सीमेंट, दैट इज़ बिकॉज दे कैन नॉट डिग होल्स इन टू सीमेंट कंस्ट्रक्शन। अभी देखो ये जो माइस और जो रैट्स हैं ना, जहाँ पर लोग रहते हैं उनके साथ नहीं रहते, उनके घरों में रहते हैं, लेकिन मोस्टली देखो कौन से घरों में रहते हैं, जो मिट्टी के बने हुए थे क्योंकि उसमें वो होल कर सकते हैं, उसमें फ्लोर में होल करते हैं या फिर वॉल में होल करते हैं, लेकिन सीमेंट के घरों में वो होल नहीं कर सकते इसलिए वहाँ पर नहीं पाए जाते वो। सो यू कैन सी दैट दीज आर द शेल्टर्स ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स। एक्चुअली आई एम गोइंग टू कम्प्लीट दिस लेसन हियर, दिस इज द हाफ ऑफ द लेसन, आई एम गोइंग टू टेल यू वॉट इज टू बी डन, दिस क्वेश्चंस इन द बिगिनिंग, सी दैट आई एम शोइंग यू, कैन यू टेल द थ्री क्वेश्चन टू बी सॉल्व इन द बिगिनिंग, दैट टू मोर क्वेश्चन आर देयर, दे आर टू बी सॉल्व, ये सब सॉल्व करके मेरे नंबर पर भेजना है, ओके। और सम डिफिकल्ट वर्ड्स, लुक सम डिफिकल्ट वर्ड्स आर टू बी रिटर्न विद देयर मीनिंग्स एंड सेंड देम आल्सो, ओके। दिस इज योर होमवर्क।